टेलीफोन पर किए हुए शादी, शादी की नहीं, सही हैसियत। टेलीफोन पर कोई निकाह नहीं हो सकता, टेलीफोन पर जो निकाह करते हैं गलत है। कोई अदालत मानती है घर बैठे टेलीफोन पर गवाही दे दो, अब तक नहीं किसी ने माना। ये बेवकूफ लोगों का काम है। इसकी बजाय ये हो सकता कि जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हबशा में थी आपकी बीवी जिनसे निकाह की उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला बेवा हो गई, हजूर मदीना में थे, यहां से सहाबी को भेजा अपना वकील बनाकर। उधर उन्होंने बनू मैया में से जो थे सईद इब्न अबी अलास वगैरह उनको अपना वकील बना दिया हजरत उम्मे हबीबा ने, तो वकीलों ने आपस में फिर ना ईजाब व कबूल किया। ये तरीका है सुन्नत के वहां से वो कागज बनवाकर भेज दे हुकूमत के मोहरशुदा कि मैंने फलां आदमी को अपना नुमाइंदा बना दिया। वो नुमाइंदा होगा, आलम उससे कहेगा कि फलां आदमी जिसका तू वकील है उसके साथ मैंने इस बच्ची का निकाह किया, तूने अपने उस मुवक्किल के लिए इसको कबूल किया? वो कहेगा हाँ मैंने अपने मुवक्किल के लिए उसको कबूल किया। ये तरीका है जो वहां सुन्नत अदा की गई। इसमें क्या जो कागजात बनवाए मुसद्दका भेज दे। वो डॉक्टर साहब का जब निकाह हुआ था भाई शफीक, इसी तरह नसर साहब का किया था, वो अफ्रीका में थे, उन्होंने यहाँ तबलीगी जमात के एक डॉक्टर से उनके कुरीगन को दे दिया था इजाजतनामा, तो हम लाहौर गए थे, वो इसी तरह निकाह किया।